Assalamualaikum, welcome to my YouTube class Perfect Math. और आज हम exercise 12A का question number 5 का 6 part start करते हैं, जिसमें मैं altitude दे रहा है 6 cm और vertical angle 40 degree है. तो चलिए ये start करते हैं हम. जब हमें altitude देता है, तो मैंने कल ये बात बताई थी, ये straight line होती है perpendicular की, तो वो 6 cm की, यानी कि line segment आप अपनी मर्जी से any line segment draw कर लेते हैं. तो यहाँ पे मैं line segment draw कर रही हूँ ABEF 12 cm का. यहाँ मैंने construction step, क्योंकि question 1 till 5 में मैं already सिखा चुकी थी, तो मैंने यहाँ construction step लिख दिया, लेकिन मैं उनको elaborate करती रहूँगी साथ साथ. सबसे पहले मैं एक line segment draw करती हूँ EF 12 cm का. तो यहाँ मैंने mark करके रख लिया था, 0 पे रखें और ये 12 पे. तो आपने एक इस तरह लाइन ले लेनी, ठीक है, ये आपने इसको ज्वाइन कर देना है और आपने इस पॉइंट को क्या नाम दे देना है, ई एफ. इसके बाद ये टोटल कितने की थी, ये 12 सेंटीमीटर की थी. अब इसका हाफ कितना होगा, ऑब्वियसली 12 का हाफ 6 होता है, तो आपने क्या कर लेना है, 6 सेंटीमीटर पे एक मिड पॉइंट ले लेना है जो कि होगा आपका डी. तो ये आपने, अब सेकेंड स्टेप भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मार्क पॉइंट डी एट हाफ लेंथ ऑफ ई एफ. ई एफ की टोटल लेंथ क्या थी, 12, 12 का हाफ 6 पे मैंने डी पॉइंट रख लिया. अब आपने कंपास डी की मदद से क्या करना है, आपने डी एज अ सेंटर ड्रॉ, 90 डिग्री का आपने एक एंगल बनाना है, ठीक है. कंस्ट्रक्ट, अब मैंने थर्ड पॉइंट लिखा हुआ भी है, पहले मैं अपना ड्रॉ कर लेती हूँ, ये देखें. और यह स्ट्रेट लाइन बना लें, आज ज़रूरी नहीं होता कि आप वो करें, आप यहाँ से एक सीधी सी एक स्ट्रेट लाइन बना दें, सिंपल, जितनी बड़ी बनानी है आप बना दें, ठीक है. मैंने थर्ड स्टेप लिखा, कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री ऑफ एन एंगल पॉइंट डी यूजिंग प्रोटेक्टर. अब हमने क्या करना है, अब हमें एल्टीट्यूड पे एक आर्क बनानी है, यानी कि डी को सेंटर पे रखते हुए 6 सेंटीमीटर की मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगी. ये यहाँ पे रखा और आपने कंपास को सेट कर लेना 0 और 6 पे. अब आपने इस पॉइंट पे लेना है, जिस पॉइंट से ये लाइन ऑफ एंगल को इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट सी मिल जाएगा. इसको मैं हाईलाइट करती हूँ, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किए, मीट किया, इस पॉइंट पे मुझे क्या मिल गया, सी. तो देखिए मैंने स्टेप भी लिखा हुआ है, विद डी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 6 सेंटीमीटर. यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ की, 6 सेंटीमीटर की. तो और जिसने कट किया लाइन ऑफ एंगल को एट पॉइंट सी, और मुझे यहाँ पे पॉइंट सी मिल गया. अब वर्टिकल एंगल है 40, यानी कि 20 डिग्री का, 40 का हाफ कर ले आप, 20 होता है, ठीक है. ये मैंने हाफ एंगल कर लिया, मतलब यहाँ पे रख के मैं 20 मेजर करूँगी और यहाँ से 20. चलिए आइए रखते हैं, ये देखें, ये आ गया आपका बिल्कुल 20 पे, आपने ऐसे रख लेना है. और इसी तरह दूसरी जानब भी, यानी कि दूसरी साइड भी आपने 20 डिग्री को मार्क कर लेना है. ये अब आपने इधर से इधर इनके आर्म्स बड़े कर देने, ताकि मुझे यहाँ पे पॉइंट्स मिल सकें. तो चलिए ये इनको मैं ज्वाइन कर देती हूँ, ये एनी लेंथ के भी हो सकते हैं ये, ठीक है. और इसी तरह आप यहाँ से भी ज्वाइन कर दें, ठीक है. ये आपने 20 लिया था और ये वाला भी 20 डिग्री. ये जो पॉइंट मिल गया मुझे यहाँ पे और यहाँ पे, मैंने इनका क्या नाम लिख दिया, ए और बी. चलिए आइए मैं अपना फिफ्थ पॉइंट बताती हूँ, कंस्ट्रक्ट 20 डिग्री ऑफ एन एंगल. सवाल में हमें 40 दे रहा है, 20 20 दोनों साइड बनेगा तो टोटल 40 है, एट पॉइंट सी बोथ डायरेक्शन. और इनके आर्म को एक्सटेंड कर दिए ताकि मुझे पॉइंट ए भी मिल जाए, दिस इज़ रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट कंप्लीट होता है. अब हम 7 पे चलते हैं. ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 7 पार्ट करते हैं, जिसमें मुझे एल्टीट्यूड लगाना है 9.5 सेंटीमीटर का और वर्टिकल एंगल मुझे 35 चाहिए. तो चलिए आइए 35 को ज़रा पहले आधा एंगल करते हैं, कितना 1 2 और 1 इसको दे दिया तो 2 7 14 और पॉइंट लगा के 2 5 10, तो हमारे पास एक एंगल कितने का बनेगा, 17.5, ठीक है. अब मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, एनी लाइन सेगमेंट आपका जो दिल चाहे कर लें, ठीक है, और कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं. तो मैंने लिखा ड्रॉ मिड, एनी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है. मैंने इसके स्केल लिया 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, लाइन. और मैंने अपना कंस्ट्रक्शन स्टेप में फर्स्ट लिख दिया ड्रॉ मैग्नीट्यूड मेजरमेंट ऑफ लाइन ई एफ 10 सेंटीमीटर का. अब इसके हाफ पे मैं डी पॉइंट लूँगी, 10 का हाफ कितना हो जाता है, 5. तो ये देखें आपने यहाँ रखा और 5 पे आपने क्या कर देना है, एक पॉइंट डी मेजर कर लेना है, ठीक है, डी पॉइंट. तो मैंने सेकंड स्टेप लिखा हुआ मार्क डी पॉइंट एट हाफ लेंथ ऑफ ई एफ, ई एफ की हाफ लेंथ पे मैंने ये ले लिया. अब इसके बाद 90 डिग्री का एंगल इजी तरीके से हम क्या कर लेते हैं, कंपास लेते हैं. आप स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर लें, बार बार ज़रूरी नहीं है कि हम ये करें, 90 डिग्री मार्क कर लें और स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दें. इस पॉइंट पर कोई भी स्ट्रेट लाइन जाएगी तो वो 90 डिग्री की ही कहलाएगी. आप जितना दिल चाहे इसको बड़ा बना सकते हैं, बड़ा बना लें, ठीक है. अब हमें अब हमने क्या करना है, डी को सेंटर रखते हुए 9.5 की आर्क लगाने. तो चलिए हम 9.5 की आर्क खोलते हैं कंपास पे, ठीक है.
हम पहले मैं अपना ये सेट करते हैं। अब मैंने डी को सेंटर लिया और ये देखें मैंने ये आर्क लगा दी, ठीक है। ये जितनी बड़ी आर्क करनी है आप कर ले, कोई मसला नहीं है। अब आपने क्या करना है, जिस पॉइंट पे आर्क ने एंगल लाइन ऑफ एंगल को कट किया, आपको यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल गया, सी। तो देखिए हमने पॉइंट थर्ड लिखा, कंस्ट्रक्ट पहले 90 डिग्री ऑफ एन एंगल लिखा, फिर विद डी एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क 9.5 सेंटीमीटर दैट कट द लाइन ऑफ एंगल एट पॉइंट सी। अब हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप, अब हमने वर्टिकल एंगल बनाना है 35 का। तो दोनों जानेब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे स्केल को रखूँगी डी को, जिस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया लाइक दिस। अब 17.5, तो देखें ये 15, 16, 17, अब 17 से थोड़ा सा आगे कर ले तो वो 17.5 कहलाएगी। इसी तरह दूसरी जानेब जाएंगे, इधर भी हम क्या करेंगे, देखिए ये हो गया 15, 16, 17 और थोड़ा सा आगे चले जाएं तो ये 17.5। अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो जो हमने दोनों जानेब क्या किया, अच्छा ये लाइन जिस पॉइंट पे बेस लाइन को मेरे कट करेगी, तो ये जहाँ पे पॉइंट या आर्म्स मिलेंगे तो उसका नाम मैंने ए रख दिया, और इस वाले का मैंने भी, देखें ए बी और सी। और ये लाइन मैंने कितने लाइन आर्क कितने की लगाई थी, आप यहाँ लिख दें 9.5 सेंटीमीटर की ये आर्क थी, ठीक है। ये कोई चीज़, ये ऐसी रफ एंगल की लाइन है। अब देखिए पॉइंट पे चलते हैं, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट 17.5 डिग्री ऑफ एन एंगल एट पॉइंट सी बोथ डायरेक्शन, बोथ दोनों जाने, फिर उसके बाद एक्सटेंड कर दें आर्म को इतना कि मुझे पॉइंट ए और बी मिल जाए, नीचे तक ले आए, फिर इस तरह ये आइसोसेलेस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। आई होप समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के एट पार्ट पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के एट पार्ट पे चलते हैं। एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर का, वर्टिकल एंगल 65 का, तो 65 का हाफ कर लेते हैं, 2 3 6, 2 2 4.5, यानी कि एंगल जो हो जाएगा हमें कितने का बनाना पड़ेगा बोथ डायरेक्शन पे 32.5 डिग्री का। चलिए आप कोई भी यानी लाइन सेगमेंट ले लें, मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट जो लिया है वो 12 का लिया है। आप इन तमाम सवालात को सॉल्व करने के लिए 12 का ले सकते हैं, ये एक रफली फिगर है। तो ये मैंने 12 सेंटीमीटर का लिया है, 12 का हाफ 6 होता है, वहाँ पे मैंने पॉइंट डी मार्क कर लिया। आइए मैं दो पॉइंट्स पढ़ भी लेती हूँ कंस्ट्रक्शन स्टेप के। ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ लाइन ई एफ 12 सेंटीमीटर, मैंने ई एफ की लाइन ड्रॉ की 12 सेंटीमीटर की, डी मिड पॉइंट लिया हाफ ऑफ लेंथ ई एफ का। अब मैं कंस्ट्रक्ट कर दूंगी 90 डिग्री का एंगल एट डी पॉइंट पे, आप प्रोटेक्टर रख लें या एक सिंपल सी लाइन, ये देखिए मैं आपको सिंपल सी लाइन बोल रही हूँ, बना दें जितनी बड़ी बनानी है आप बना लें, और आप प्रोटेक्टर से अपने चेक भी कर लेंगे तो ये 90 की ही बनती है हमेशा। ये देखें स्ट्रेट लाइन बना दें। अब आपने क्या करना है, डी पे सेंटर रखते हुए अब हमें 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। तो डी एज अ सेंटर मार्क एन आर्क विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, आपने एक 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है जो लाइन ऑफ एंगल को कट कर देगी पॉइंट सी पर। अब देखें आपको यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल गया, आपको सी पॉइंट मिल गया। ये कितने सेंटीमीटर की आर्क लगाई है आपने, 4 सेंटीमीटर की। अब देखिए अब हमने क्या करना है, सी से दो एंगल ड्रॉ करने, पूरा 65 का होगा तो लेफ्ट टू राइट जो हो जाएगा 32.5 का हम इस पर एंगल ड्रॉ करते हैं। तो आइए हम डी रखते हैं अपना, ये देखें आपने ये ऐसे रखा, ये देखें 31, 32.5। अच्छा ये लाइन मेरे पास डी है, इसे डायग्राम छोटी सी तो मैं इस तरफ लाइन से ले आऊँगी, और इसी तरह यहाँ पे बनेगा 32.5 इस तरफ। अब आप इनको ज्वाइन कर दें। अच्छा ये देखें हमारे पास ये वाली लाइन कितने के एंगल बना, हमारे पास 32.5 का, और यहाँ भी बना 32.5 का। ये आर्म्स हमने बड़े कर दिए, ये लाइन आपकी 32.5 की है, और यहाँ पे ये जो मिले मिड पॉइंट ये है बी और ए। तो देखें हमने लिखा कंस्ट्रक्ट 32 डिग्री ऑफ एन एंगल एट पॉइंट सी बोथ डायरेक्शन, एक्सटेंड द आर्म अनटिल मीट द पॉइंट ए एंड बी, दिस इज रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के नाइन पार्ट पे चलते हैं। एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर का और एंगल 45 का, तो एंगल 45 डिग्री को आप हाफ कर लें, 2 2 4 2 2 4 और 2 5 10, यानी कि 2 1 2, 22.5 डिग्री का एंगल मैं मेजर करूँगी। अब मैंने क्या किया, ई एफ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जिसकी लेंथ मैंने कितनी लिख दी है 12 सेंटीमीटर, उसके हाफ पे मैंने डी पॉइंट मार्क कर लिया, 12 का हाफ 6 होता है, 6 लिया। अब आप 90 डिग्री का एंगल जो है वो डी से बना दें या स्ट्रेट लाइन, अभी मैंने आपको चेक करके बताया था कि अगर आप बनाएंगे तो वो एंगल 90 का ही होगा, और आप इसको रख के ऐसे चेक भी कर लेंगे। ये देखें ये आ गई आपका एग्जैक्ट 90, मैंने
ये देखें बिल्कुल 90 डिग्री पे आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन हमेशा डी से जो बनेगी वो 90 स्ट्रेट बनेगी, 90 पे बनेगी। अब मैं क्या करूँगी, डी एज अ सेंटर, डी सेंटर पर रख के 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगी जो एंगल ऑफ लाइन को कट करेगी। तो ये मैं 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दी है, ये जो जिस पॉइंट पर लाइन आर्क ने इसको कट किया वो पॉइंट सी है। अब आप यहाँ पे डी को रखें और अपना 22.5 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लें। देखिए ये आ जाएगा इस तरफ 21, 22 और 22 से थोड़ा सा आगे लेके जाएगा 22.5। इसी तरह आप इस तरफ चले जाएगा 22.5, 21, 22 और ये इस तरफ आ जाएगा। अब आप इनकी लाइन को ज्वाइन कर दें तो हमें आर्म्स ए एंड बी पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, ये इस तरफ आ गया और ये लाइन हमारी इस तरफ आ गई। ये आपका आ गया 22.5 डिग्री का और इसी तरह ये वाला आ गया 22.5 डिग्री का एंगल। तो हमारे रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल गए आइसोसेलेस। और आप यहाँ लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट आपने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी, यहाँ एरो बना देंगे और इस पॉइंट को ए का नाम और इस पॉइंट को आप बी का नाम दे देंगे। ठीक है, ये आपकी हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है 10। एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर का, वर्टिकल एंगल 55 का है। तो वर्टिकल एंगल को आप पहले हाफ कर लें, तो 2 2 ज़ा 4 और 1 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10। तो आपका एक एंगल जो बनेगा वन साइड पर 27.5 डिग्री का बनेगा। चलिए आप एनी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें। मैंने जो ड्रॉ किया है वो ई एफ पॉइंट किया और एज यूजुअल मैंने 12 सेंटीमीटर की लेंथ ली थी। फिर मैंने क्या किया, 6 सेंटीमीटर पे डी पॉइंट मार्क किया और डी पे मैंने एक 90 डिग्री दोबारा बार बार कह रही हूँ कि या तो कंपास से कर लीजिएगा या एक स्ट्रेट लाइन अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ कर लीजिएगा और दोबारा से रख के आप रीचेक भी कर सकते हैं कि आप भाई ऐसा क्यों कह रही हैं। तो हमेशा ये स्ट्रेट लाइन 90 पे जाती है। डन है, देखें अब हम करते हैं क्या है, डी पे डी एज अ सेंटर रखते हुए 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाते हैं। तो चलिए हम कंपास को अपने 7 सेंटीमीटर तक खोल लेते हैं और हम एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर की। ये देखें ये आपकी 7 सेंटीमीटर की हो गई है। अब जिस पॉइंट पे आर्क ने एंगल ऑफ लाइन को कट किया वहाँ मुझे कौन सा पॉइंट मिल गया, सी पॉइंट। अब हमने क्या करना है, सी से दो एंगल वर्टिकल ड्रॉ करने, टोटल तो वो 55 का होगा लेकिन हाफ जो होगा वो ये 27 का होगा। ठीक है, अब देखिए ये 25 कहलाएगा, ये 25 फिर 26 27 27 से थोड़ा सा आगे चले जाइएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरी जानब भी आप 27.5 का एंगल ले लें। तो ये ले लिया आपने 25 फिर 26 27 और थोड़ा सा आगे यानी कि 0.5 चले जाएगा। अब ये आप एक्सटेंड करते हुए नीचे ले आऊँगी ताकि मुझे पॉइंट ए और बी दोनों मिल जाएं। ठीक है, ये मुझे जो पॉइंट मिला इस जगह मैं इसको पॉइंट ए बोल दूँगी और मैं इस तरफ यहाँ ज्वाइन कर लूँगी, ये पॉइंट मुझे मिल रहा है बी। और ये कितने की आर्क लगाई थी मैंने, 7 सेंटीमीटर की और ये एंगल कितने का था, 27.5 डिग्री का दोनों जानब था, 27.5 डिग्री। तो चलिए आइए कंस्ट्रक्शन स्टेप को डिटेल से देख लेते हैं। ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ लाइन ई एफ 12 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर ली थी हमने, उसके हाफ यानी कि 6 पर मैंने पॉइंट डी लिया था, 6 सेंटीमीटर पर मार्क करिएगा और उसको पॉइंट डी का नाम रख दीजिएगा। फिर मैंने डी एज अ सेंटर रखते हुए 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया था जो कि स्ट्रेट लाइन था। ये आप इस तरह भी बना सकते हैं, तमाम डायग्राम में 90 डिग्री आप ये चीज़ बना दीजिएगा जिसने लाइन ऑफ एंगल को कट किया एट पॉइंट सी पे। कंस्ट्रक्ट 27.5 डिग्री ऑफ एन एंगल बोथ डायरेक्शन, मैंने बोथ डायरेक्शन पे यहाँ और यहाँ रख दिया था। फिर मैंने उनके आर्म्स को एक्सटेंड किया तो वो मैंने लिखा एक्सटेंड बोथ आर्म अंटिल दे मीट ए एंड बी, दिस इज़ रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के 6 to 10 पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको समझ में और मजीद आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।